हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बैचलर हैं तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मसालेदार चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन पीसेस 750 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नींबू 1 पीस, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसका रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेसन 2 टेबलस्पून, चिकन की ग्रेवी के लिए ज़ीरा आधा टीस्पून, लौंग 5 पीस, काली मिर्च 8 से 10 पीस, बड़ी इलायची 2 पीस, दालचीनी स्टिक 2 इंच, तेज पत्ते 2, बारीक कटे हुए प्याज 2, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, बारीक कटे हुए टमाटर या फिर टमाटर का पेस्ट 2, नमक 1 टीस्पून। ध्यान रखें, नमक हमने चिकन मैरिनेशन के टाइम पे भी डाला हुआ है। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, सरसों का तेल या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून, पानी 1.5 कप या फिर आपकी चॉइस की ग्रेवी के अनुसार। सबसे पहले चिकन को अच्छे से धो लें और इनके पीसेस पे स्लिट मार लें। ऐसा करने से जो मसाला है वो चिकन में अंदर अच्छे से चला जाएगा। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। नींबू को इसमें स्क्वीज कर लें। इनको चिकन पीसेस पे अच्छे से कोट कर लें। अब इसमें बेसन डालें और बेसन को इस पर अच्छे से कोट कर लें। बेसन डालने से चिकन की बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको ढककर फ्रिज में या फिर कोई ठंडी जगह पे 15 मिनट के लिए रख दें। अब मीडियम फ्लेम पर कुकर में तेल को अच्छे से गर्म कर लें। इसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता डालें। अब इसमें प्याज डालें और इसको अच्छे से स्टर कर लें। प्याज को बीच बीच में स्टर करते रहें जब तक कि वह गोल्डन कलर का ना हो जाए। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे लगातार स्टर करते रहें। जब प्याज ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें, प्याज को अच्छे से भूनें जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालें जिससे कि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसमें चिकन पीसेस डाल दें। अब इसे लगातार चलाते रहें और 3 से 4 मिनट तक स्टर करते रहें।
अब इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें गरम मसाला डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने गलती से वीडियो लेना भूल गई थी। अब कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे पकने दें। जब एक सीटी आ जाए तो फ्लेम को बंद कर दें। जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तो कुकर का ढक्कन खोल दें। अब वापस से गैस का फ्लेम ऑन करें। इसे 5 मिनट तक वापस से पकने दें। वाव, देखिए चिकन कितना अच्छा बना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। लीजिए, डिलीशियस मसालेदार चिकन तैयार है। अब इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। यकीन मानिए, बहुत ही आसान है बनाना। अगर आप बैचलर हैं या फिर बिगनर हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसे गर्मा गर्म चपाती, नान या फिर परांठा के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।